हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हमारे साथ है करशन भाई आनंद नर्सरी से। कैसे हो करशन भाई? बस मजा में। और संजय भाई आज नहीं आए? नहीं आए, छुट्टी पे गए, बाहर गए। ओके, तो आज संजय भाई अवेलेबल नहीं है, तो करशन भाई आज हमें आनंद नर्सरी के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे और अंदर कौन कौन से नए प्लांट्स आए और बारिश के मौसम में हम कौन कौन से प्लांट्स लगा सकते हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे। चले करशन भाई। करशन भाई, ज्यादातर अभी तो मॉनसून का सीजन है जी, तो कौन से प्लांट ज्यादा जाते हैं इंडोर में? ज्यादा प्लांट जाते हैं, फ्लावरिंग वाले जाते हैं, फ्रूट वाले या सब्जी वाले? सब जाते हैं, मतलब इंडोर में ज्यादा ये कैक्टस है, स्नेक प्लांट है ये वाले कैक्टस। हाँ, कैक्टस है। ओके, स्नेक प्लांट है। ओके, ये इंडोर में? हाँ, एग्लोनिमा है, ये एग्लोनिमा अच्छा रहता है। राइट, फिर आगे मनी प्लांट है इंडोर के लिए। इंडोर के लिए मनी प्लांट की भी सारी वेराइटी? सारी वेराइटी है, तीन कलर आता है उसमें। तीन कलर आते हैं, ग्रीन आता है, व्हाइट आता है, येलो आता है। ओके जी। और ये कुछ नया कलर दिखाई दे रहा है, कौन ये सा? वाला? हाँ, वो मनी प्लांट का ही है वेराइटी। मनी प्लांट का ही वेराइटी जी। और इसके अलावा आपके यहाँ पर खाद भी अवेलेबल है? हाँ, खाद भी अवेलेबल है, ऑर्गेनिक है, भूमि जा करके आता है खाद। ओके जी। और एक नई वेराइटी एक ये अच्छा रहता है, एंथोरियम। ये तो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। हाँ, ये भी इंडोर इंडोर प्लांट है, ये भी इंडोर प्लांट रख सकते। चार कलर आते हैं उसमें, अभी एक ही कलर है, व्हाइट आता है, पिंक आता है, पर्पल आता है, और अभी ये कलर अब अवेलेबल है। अवेलेबल एक ही कलर है, यहाँ पर आना है तो आके ले जा सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग तो बहुत होती है, बट ये चीज के अंदर पर्टिकुलर आप अगर विजिट करके जो परचेसिंग करते हो तो इसमें मजे ही अलग है। तो इसके बारे में आपको और नए प्लांट्स के बारे में भी जानने को मिलता है। यहाँ पर बहुत सारे प्लांट देखिए अवेलेबल है, है। यहाँ पर कौन कौन सी वेराइटीज है? जामिया पाम है, पिप्रोमिया है, फिर एग्लोनिमा है, स्नेक प्लांट है। अभी फ्रूट प्लांट ज्यादा जाता है? हाँ, फ्रूट प्लांट ज्यादा जाता है क्योंकि बारिश का मौसम है तो उसके वजह से। और ये कौन सा है? ये कुछ डाइफन की वेराइटी है। ये भी डाइफन की वेराइटी है। ये इंडोर रहता है या सेमी शेड में रहता है? इंडोर रहता है। इनको पानी ज्यादा डालना होता है, पानी कम चाहिए उसमें। अगर किसी ने मेंटेन नहीं किया तो मुरझा जाता है? मुरझा जाता है सर। हाँ जी, तो इसको मेंटेन करना है तो अगर कोई यहाँ पर आए तो आप गाइड कर? हाँ, गाइड कर सकते हैं उनको। और कई व्यूअर्स की ऐसी भी कंप्लेंट्स या मतलब रिक्वेस्ट थी कि मतलब आपको उनको ऑनलाइन डिलीवरी वगैरह चाहिए, वो पर्टिकुलर जो भी प्लांट बोले उसकी डिलीवरी वगैरह चाहिए, तो वो भी अपने प्रोवाइड करते ही है ना? करते हैं सर। ओके, और इसके पीछे जो भी दूसरी भी वेराइटीज है ये वाली, तो वो सर डाइफन की वेराइटी है? एग्लोनिमा की वेराइटी है। ओके, वो एग्लोनिमा की। एग्लोनिमा में टोटल कितनी वेराइटीज आती है? लगभग पांच वेराइटी आती है उसमें। पांच वेराइटीज आती है। ये पूरा पिंक वाला, पिंक वाला है। हाँ, फिर वो लाइट पिंक वाला, और ये व्हाइट वाला, रेड वाला भी आता है उसमें ये पड़ा। ओके, चलो देखिए ये वाला, ये भी बहुत खूबसूरत दिखता है। ये इसको इंडोर ही मेंटेन करना पड़ता है, मेंटेन करता है। और इसके अंदर खाद वगैरह कैसे डालते हैं? खाद हफ्ते में, महीने में एक बार डाल सकते हैं आप, ज्यादा खाद नहीं चाहिए उसको, पानी कम चाहिए उसको। ओके, और उसके अलावा दूसरी वेराइटीज? ये ड्रेसिना है। ओके, ट्राई कलर बोलते हैं उसको। इसमें भी दो कलर अवेलेबल जी। ये मनी प्लांट का व्हाइट वेराइटी है, और ये भी डाइफन ही लगता है? हाँ जी, आपके पास डाइफन में बहुत सारी वैरायटीज है। अगर आप व्यूअर्स विजिट कर सको तो ये बहुत ही आपके लिए अच्छा होने वाला है। यहाँ पर एक ही तरह के मतलब तीन चार वैरायटीज अवेलेबल है, यहाँ पर आप देख सको। यहाँ पर ये देखिए, बहुत अच्छी वैरायटीज है, ये मनी प्लांट की भी, छोटे बड़ी बड़ी सभी साइज में अवेलेबल है। हैंगिंग में है, पॉट में है। चलिए आगे आपको दिखाते हैं। और अभी फ्लावरिंग वाले रहते हैं या मतलब फ्लावरिंग वाले कब आते हैं प्लांट्स ज्यादातर? फ्लावरिंग वाले तो अभी चलते हैं फ्लावरिंग वाले, लेकिन इंदौर में वो एक ही है, एंथोरियम है, पीस लिली है, डाइफन में आता है। और ये वाले कौन से? ये डाइफन है, वो ये एग्लोनियम। कौन सा? सिंगोनियम है। सिंगोनियम में तीन कलर है,
सिंगोनियम में भी अभी तीन, ये भी इंडोर इंडोर ही रहता है। इसको मतलब थोड़ी भी धूप की वगैरह जरूरत पड़ती है? नहीं थोड़ी पड़ती है, शेमी शेड में रखो अब चलता है। ओके, मतलब एक वन टाइम धूप आए तो वो इट्स ओके। और आपके यहाँ पर कोकोपीट वगैरह भी उसके साथ में मिलता है, उसमें हम भर के भी देते हैं। ओके, आइए देखते हैं, यहाँ पे भी एक छोटी वेराइटी इंडोर प्लांट्स वाली अवेलेबल है, देखते हैं कौन सी है। ये कौन सी वेराइटी है? ये भी बहुत खूबसूरत है, बोलते हैं उनको। ओके, ये एक में से इतना सारा हो जाता है या ये मल्टीपल? एक में से होता है। और ये बड़ा होता है या यही साइज में? बड़ा होता है, डेढ़ दो फुट हाइट होती है, ज्यादा नहीं होती है। ओके, उसी रहता है ज्यादातर। और कॉर्नर में रख सकते हैं? कॉर्नर में रख सकते हैं, डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं आप। और ये इसको भी सेमी शेड में रखना पड़ता है या मतलब धूप इसको थोड़ी चाहिए? थोड़ी धूप चाहिए, सेमी शेड में तो कोई जरूरत ही नहीं है। ओके, मतलब हफ्ते में एक बार आप घर में से निकाल के बाहर रख सकते हो, ज्यादा प्लांट चलेगा आपका। ओके, और अभी मतलब बारिश का मौसम है तो कई लोगों ने गमले बाहर रखे होते हैं जी, तो ऊपर से पानी आता है बारिश का और नीचे से गमलों में से निकल जाता है, तो उसमें खाद वगैरह भी उसकी भी कमी हो जाती है या क्या? हाँ, हो जाती है, हो जाती है, पानी निकल सकता है तो हो जाती तो है, वो फिर से खाद वगैरह डालना पड़ेगा ना? हाँ, डालना पड़ता है। तो वो खाद कितने टाइम में डालना पड़ता है? खाद आप महीने में दो बार डालिए, लिक्विड में आता है और दाने में आता है संजीवनी करके, वो भी आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है ना? जी, हाँ। और स्पेशली इंडोर आउटडोर सब में जाएगा जी। और ये सारी भी इंडोर की वैरायटी है ना जी? इसमें कौन कौन सी वैरायटी? ड्रेसिना है। ओके, और ये भी महात्मा ड्रेसिना है, ये पीस लिली है, व्हाइट फूल वाली है वो। और क्रोटन की वैरायटी है, क्रोटन्स की वैरायटी भी आपके यहाँ पर भर भर के। आगे सेलम है। सेलम मतलब कौन सा? वो ये वाला ग्रीन वाला है ना, वो आगे वाला, ये सेलम? हाँ, सेलम है वो। इसमें फ्लावरिंग आएगा? नहीं, फ्लावरिंग नहीं आएगा, लेकिन पूरा भरचक रहेगा, पूरा ऐसा ग्रीन रहेगा घर में, एवरग्रीन। और आपके यहाँ पर हैंगिंग जो मनी प्लांट्स है उसकी तो बहुत अच्छी वेराइटी है। और ये सामने जो है वो पूरी पीस ले लिया। ओके, बहुत अच्छे प्लांट्स हैं। और उसका जो फ्लावरिंग आता है वो कितने टाइम में आता है? फ्लावरिंग उसमें साल में तीन चार बार आता है उसमें। ओके, लेकिन जितनी ज्यादा वो ग्रो होगी ना उतना फ्लावरिंग ज्यादा आएगा उसमें। ओके, मतलब वो ऊपर से व्हाइट कलर का मतलब वैसे एक लीफ जैसा ही रहता जी, लीफ जैसा रहता है। और थोड़ा बहुत उसके बारे में? ये ब्लैक जामिया है। ओके, ये जामिया, जीजी प्लांट बोलते हैं उसको। कौन सा प्लांट? जीजी प्लांट भी बोलते हैं और जामिया भी बोलते हैं उसको। ओके जी, तो इसका क्या बेनिफिट होता है? उसमें ऑक्सीजन के लिए अच्छा रहता है ये, और ये भी बुशी रहेगा। हाँ, बुशी रहेगा और ग्रीन भी आता है उसमें, दो वेराइटी आती है। और ये जो छोटा पंजरी है वो, पंजरी? हाँ, उसमें व्हाइट फूल आते हैं छोटे छोटे। और ये भी इंडोर ही रहेगा? इंडोर ही रहेगा। आउटडोर में वो अच्छा कोई पौधा है बड़ा, नीम है या कोई भी पीपल का है, फिर उसके नीचे लगा सकते हैं आप उसको, तो ये भी बहुत बूटी हो जाएगा। मैं एग्लोनिमा बात कर रहा था, ये फूल आते हैं उसमें। ये कौन सा है? एग्लोनिमा। एग्लोनिमा में वो कलर दिखाए ना आपने, उसमें ऐसा फ्लावरिंग आता है। तो ये भी इसके जैसा ही दिखता है ना? पीस लिली में थोड़ा बड़ा आता है और इसमें थोड़ा छोटा आता है। बट ये महीने में तीन चार बार आता है या क्या? फ्लावरिंग जितना उसका ये ग्रो होगा ना इतना फ्लावरिंग ज्यादा आएगा उसमें। ओके, तो अगर किसी को लेना है तो कैसा प्लांट चूज करें, मतलब ज्यादा बूशी हो या कैसा? ज्यादा बूशी कोई भी प्लांट ले जाइए आप, जैसा केयर करेंगे वैसा चलेगा सर। ओके, उसमें दो फूल आ रहा है अभी, ये देखिए, बराबर, बहुत ही बढ़िया। जितनी ब्रांचेस होगी इतना फूल ज्यादा आएगा उसमें। ओके, तो इसको प्रूनिंग वगैरह की जरूरत पड़ती है क्या? प्रूनिंग कट करना पड़ेगा? हां, जरूर पड़ता है ना उसमें। ये कौन सा फ्लावर है? टिकोमा। ये इसमें तीन से चार अलग अलग तीन कलर आते हैं उसमें जी सर, ऑरेंज आता है, येलो आता है और ये पर्पल है जी। ओके, एक सौ पीस के लिए ये भी ले सकते हैं आप, फाइकस ट्रिस्टानिया, ये उसमें ऊपर रेड पत्ती रहती है, लीफ सारे, और नीचे ग्रीन रहता है, बहुत ही देखने में भी अच्छा अच्छा रहता है, और वॉल भी बना सकते हैं आप।
वॉल भी बना सकते हैं, प्राइवेसी वॉल जिसे बोलते हैं वो भी बना सकते हैं। तो ग्रो भी अच्छा है उसका, पानी कम चलता भी ज्यादा है, और विंटर में ज्यादा ये पूरा रेड हो जाता है। ओके जी, तो वो अपने आप ही कलर बदलेगा या अपने आप ही कलर बदलता है, धूप में रखना पड़ेगा, और जितना ट्रिम करेंगे उतना ज्यादा कलर चेंज होगा उसका। बट इसको मतलब धूप में रखना, इंडोर नहीं रख सकते, इंडोर नहीं, सेमी शेड में रख, सेमी शेड में रख सकते हैं आप। तो ये भी पूरा बड़ी बैग में छोटी बैग में दोनों में मिल जाएगा उसमें, दोनों में। हाँ जी, ये मधुमालती वेल है, ये मधुमालती देखिए, ये आपने हर जगह देखी होगी, ये भी आप यहाँ से छोटी बड़ी दोनों तरह की मिलती है वेराइटीज, वो लेकर जा सकते हो। ये भी इसमें भी बहुत गुच्छेदार फ्लावर्स आते हैं उसमें, और इसका ग्रोथ भी फास्ट होता है, रेड एक्सोरा है, आप देखिए रेड एक्सोरा क्या बहुत ही बढ़िया फ्लावर्स आए हुए, और ये बड़ा वाला एक्सोरा है। हाँ, ये मयूर पंख है विद्या, मयूर पंख बहुत सारे लोग इसके फैन होते हैं जी, इसको बुक में भी रखते हैं जी। और इसके अलावा ये सारे कौन से हैं? बेली है, सारे सारे क्रीपर्स, बिग्नोनिया विनिस्टा, ये फ्लावरिंग है। हाँ, तो ये कृष्ण कमल बोलते हैं, कृष्ण कमल ये वाला है, ये वाला कृष्ण कमल, उसमें पर्पल आता है और एक ये फूल आता है, दो कलर आता है। ये कलर बहुत ही रेयर मिलता है सभी जगह, ये आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएगा, पर्पल भी आएगा, पर्पल भी यहाँ पर अवेलेबल है, और ये रेड भी है यहाँ, थोड़ा मेजेंटा टाइप होता है जी। और ये आप देखिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्लांट है यहाँ पे, ये फाइकस ड्यूल कलर वाला है, ये कौन फाइकस, ये थ्री लेयर है जी, टू लेयर, थ्री लेयर है, थ्री लेयर वाला ये है, ये पूरा बनाया हुआ है बोनसाई। ओके, ये आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया प्लांट है ये। चलो आगे और भी आपको दिखाते हैं प्लांट, छोटे वाले बोनसाई, ये प्लांट छोटे, ये भी बहुत ही बढ़िया है, छोटे छोटे फाइकस आपको लेने हैं, टर्मिनेलिया का है, पूरा देखिए आपको बना हुआ ऐसा मिलेगा, और ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है अगर आपने घर के आगे रखा है तो। ये भी बोनसाई अच्छा है, सबसे अच्छा बुशी, ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल बोनसाई है ये, ये थोड़ा आप हाइट पे रखोगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये एक्जोरा की वेराइटी है, थाई एक्जोरा, ये कौन से एक्जोरा है? थाई एक्जोरा, उसमें तीन कलर है, रेड, येलो और ऑरेंज, ऑरेंज जी। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि एडेनियम भी है इनके पास, और एक इमली का भी है यहाँ पे। हाँ, इमली का है बोनसाई, बोनसाई ये भी बहुत ही बढ़िया है, अगर आप किसी को लेकर जाना है तो आप लेकर जा सकते हैं। और बोनसाई का थोड़ा आपको धूप में ही रखना पड़ेगा, इंडोर नहीं रख पाओगे, ये भी ये बात मैं आपको बोल दूँ। और ये आप यहाँ पर आओगे तो स्टाफ सारे के सारे सपोर्टिव है, जैसे मुझे दिखा रहे हैं वैसे ही आपको दिखाएंगे, और कई लोग ऑनलाइन डिलीवरी मांगते हैं स्पेसिफाइड प्लांट्स के लिए, तो वो उनको मिल जाएगी, बट आपके पास टाइम है तो यहाँ पर ही आइए। ये कौन सा है? जेट्रोपा, जेट्रोपा, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत फूल है यहाँ, गमले भी तुलसी क्यारा मिल जाएगा। ये भी देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे आपके लिए रेडीमेड सिरामिक का पौधे, सिरामिक के गमले है, ये डायरेक्टली इसमें प्लांट आपको ट्रांसफर करके दे देंगे, तो आपके लिए भी बहुत ही आसानी होगी। और आप एक बार यहाँ पर विजिट करने आओगे तो कुछ बड़ा व्हीकल वगैरह ही लेके आइए, अगर आप एक लेने आओगे तो इसके सामने तीन चार लेकर डेफिनेटली जाओगे। ये एरिका पाम है, यहाँ पर इनके पास बहुत ही सारी वेराइटीज है, प्लस इनके पास बहुत ही सारे प्लांट्स भी है। ये देखिए अरेका पाम कितना बड़ा बैग में है और कितना अच्छा डेवलप किया हुआ है, ये आपको यहाँ से आसानी से मिल जाएगा, छोटा भी मिल जाएगा उसमें, इसमें छोटे बड़े सारे ऑप्शंस अपने पास अवेलेबल है। ये पिंपल का पेड़ है, बोनसाई बना हुआ, ये बना हुआ बोनसाई देखिए कितना अच्छा है, पिंपल का है, पीपल का बोनसाई, ये आपको डायरेक्ट लेकर जा सकते हो और कैरी करनी है इसकी। और ये कौन सा है छोटा वाला? एलोकेशिया, ये एलोकेशिया देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है ये,
ये कैसे बड़ा होगा या इसमें बूटी? हाँ, बड़ा होगा, बड़ा होगा उसमें। और इसके अलावा चाइनीज जो प्लांट्स है वो भी मैं आपको बता दूं, ये बैंगन का तैयार प्लांट है, ड्रैगन फ्रूट का, बैंगन 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 का बैंगन, ये देखिए बैंगन का है, प्लांट्स ऑलरेडी डेवलप किए आपको यहाँ से मिल जाएंगे, आपको जो लेकर आपके घर पे डायरेक्टली रखने हैं। मिर्ची का है, मिर्च। और अगर आपको इसके अलावा सीड्स चाहिए तो सीड्स भी आपके पास अवेलेबल है, राइट? सीड्स है, आप देखिए इनके पास कितने सारे सीड्स की वैरायटीज अवेलेबल है, सारे के सारे प्लांट्स, मतलब जो भी आपको चाहिए सब कुछ यहाँ से मिल जाएगा। ये डाइपन की वैरायटी है। ये डाइपन है, मनी प्लांट गोल्डन है, मनी प्लांट है, ये ग्रीन मनी प्लांट, ये जामफल का है, जामफल लगे हुए है, ये लगा हुआ जामफल है, ये देखिए कितना बढ़िया प्लांट है, बहुत ही बढ़िया, ये लगा हुआ है देखिए आप पूरे, ये देखिए ऐसे बहुत ही अच्छे और हेल्दी प्लांट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर लेकर गए और आपके घर पे जाके प्लांट मुरझा गया, मर गया, ये पूरा जैसे ही अभी तो देखिए आम की से, आम के लिए बहुत ही यहाँ पर प्लांट्स अवेलेबल है, बहुत सारी वेराइटीज के आम्स है, ये सारी वेराइटी के आम्स अवेलेबल है जी। कौन कौन सी वैरायटी है उसमें? जूनागढ़ केसर है, वलसाड केसर है, कच्छ केसर है, जम्बो केसर है, लंगड़ा, आपूस, तोतापुरी, फिर दशहरी, आम्रपाली, बहुत सारी वैरायटी है। और चलिए मैं आपको एक क्रीपर भी बताता हूँ, रोज क्रीपर, जिसके लिए सब रिक्वेस्ट करते रहते हैं। और इसके साथ में यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ भी हैं जो आप डायरेक्टली यहाँ पर लेकर जा सकते हो, और आपके वहाँ पर फार्म हाउस या कहीं पे भी डायरेक्ट लगा सकते हो, ग्रो करने का आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। रोज का क्रीपर है, ये देखिए रोज क्रीपर, और बहुत ही बूशी इसके फ्लावर्स रहते हैं जी, और फ्लावर्स ज़्यादा रहते हैं उसमें, बहुत ही बढ़िया। और ये कौन से व्हाइट कलर के है ना? व्हाइट और पिंक दोनों में आता है। और ये पिंक है? हाँ जी, मतलब एक ही प्लांट्स में से दोनों निकल आएंगे? नहीं, अलग अलग प्लांट आता है। ओके जी, ये वाला जो है पिंक है, वहां पर जो आपने बताया वो व्हाइट है, व्हाइट है। अगर किसी को इंग्लिश रोज भी चाहिए तो भी यहाँ पर बहुत सारी वेराइटीज आ चुकी है, तो आप यहाँ पर आके विजिट करके लेकर जा सकते हो। और इसमें ऐसा रहता है कि इंग्लिश रोज के लिए बहुत लोग वेटिंग में रहते हैं, तो आप जितना जल्दी पहुंचोगे उतना आपके। ये पोंग पोंग चंपा है। कौन सा है? पोंग पोंग, पोंग पोंग चंपा, पोंग पोंग, पोंग पोंग चंपा। हाँ, इसमें भी फ्लावर्स आते हैं, और ये प्लांट आप ये गमले में ग्रो कर सकते हो। और उसके अलावा नीचे आप देखिए, भोले बाबा का अभी त्योहार चल रहा है, मंथ चल रहा है श्रावण महीना, तो आप यहाँ पर से अपराजिता और ये बेल का अपना झाड़ लेकर जा सकते हो, ये जल्दी ग्रो हो जाता है ना? जी, हाँ जी। बेल का। और इसके अलावा आपके पास बहुत सारी वेराइटीज है, जो बड़े पेड़ वगैरह ट्री है, छांव के लिए है, शोपीस के लिए पाम है, टर्मिनेलिया है, ये आप देखिए, ये मौसमी है, इनके पास मौसमी भी अवेलेबल है, जो बहुत ही रेयर प्लांट रहता है और जल्दी से अवेलेबल नहीं होता। सारी वैरायटी मिल जाएगी आपको। और आपके पास एप्पल का प्लांट भी है ना? जी है। चलिए आपको एप्पल के प्लांट्स भी दिखाते हैं, बाकी सब प्लांट्स तो आपको यहाँ से मिल ही जाने वाले आसानी से। चंदन या मतलब सैंडल के जो व्हाइट चंदन रहता है, रेड चंदन रहता है, दोनों के प्लांट्स यहाँ से मिल जाएंगे आपको।
और अभी स्टॉक में भी अवेलेबल है ये सफरजन है। और ये सफरजन है एप्पल, ये भी आप लेकर जा सकते हो। बहुत ही बढ़िया प्लांट है ये, और इसकी जो अभी हेल्थ है वो भी अच्छी है। आप यहाँ पर से लेकर जाओ और आपके वहाँ पर लगा सकते हैं। चीकू का भी बड़ा पेड़ मिल जाएगा आपको। किसका ये? चीकू। ये देखिए चीकू का कितना बड़ा पौधा मिल जाएगा आपको। पीछे कोकोनट है, नारियल, ये वाला, ये रेगुलर नारियल है जी। ये देखिए, और चंदन के दिखा रहे थे वो। हाँ जी, ये वाइट चंदन, ये वाइट चंदन है। और आपको ऐसे ही रेड चंदन भी यहाँ से मिल जाएंगे, और बहुत ही अच्छे हेल्दी प्लांट्स हैं। आप लेकर जाओ और आपके फार्म हाउस या फार्म पर लेकर आप उगा सकते हो आसानी से वो भी। और थैंक यू करशन भाई आपकी, आपने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दी। और व्यूअर्स आप भी हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स देते रहिए। तो आपको आपके मतलब यही चीज़ आपकी ओर से जो आती है लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, तो यही चीज़ हमें आगे और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करती है। इसके अलावा हमारे पास कोई और मोटिवेशन होता नहीं है। तो आपको अगर विजिट करनी है तो यहाँ पर ये एग्जैक्ट कौन सी लोकेशन है करशन भाई? गांधीनगर एयरपोर्ट हाईवे राइटसन पेट्रोल पंप के बाजू में ही है, आनंद फार्म नर्सरी, सर्विस रोड पे है। सर्विस रोड पे ही है, और मैं आपको लोकेशन भी शेयर कर दूंगा, तो आपको डायरेक्टली यहाँ से लोकेशन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा इनके पास मिंट, तुलसी और दूसरे और भी मेडिकेटेड प्लांट्स भी है जो बहुत ही एग्जोटिक आपको फील देने वाले हैं जी। तो आप आके वो भी ले सकते हो, बट आप थोड़ा टाइम निकाल के, और यहाँ का टाइम क्या होता है? सुबह में 8:30 बजे चालू हो जाता है, शाम को 7 बजे तक, 6:30 बजे तक। 6:30-7 बहुत ही बढ़िया टाइम है, तो आप यहाँ कभी भी आके विजिट कर सकते हो ये टाइम में। और यहाँ पर ऐसा छुट्टी वगैरह जैसा नहीं होता है, ये 24/7 मतलब आप वीक के सातों के सातों दिन ये ओपन होता ही नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहिए, और भी वीडियोज आएंगे आनंद नर्सरी के बारे में। आज तो संजय भी थे नहीं, बट उनका भी नेक्स्ट वीडियो आने वाला है रिलेटेड टू ये फ्लावरिंग और विंटर सीजन के लिए। तो आप देखते रहिए, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू करशन जी।